तो अभी इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस वायर, राइट। तो ये जो वायर है यहां पे, अभी इनिशियली मान लो कि इसका जो एक्सटेंशन है, चेंज इन लेंथ, वो कितना है? जीरो। जब आप इसमें एक वेट कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि इसका जो लेंथ है, राइट, एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में या कुछ टाइम में जो इसका लेंथ है वो यहां पे इसका एक्सटेंशन हो जाएगा डेल्टा एल। इसका एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है जीरो से डेल्टा एल तक का एक्सटेंशन, इसके बीच का हम एक पॉइंट ले लेते हैं, यानी हम ऐसा एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पे एक्सटेंशन है एक्स। एक्सटेंशन कितना है? एक्स है, इज ओनली एक्स। मान लो ये है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्स इज एक्सटेंशन, करेक्ट। तो जब x है एक्सटेंशन, से टोटल एक्सटेंशन लिया हमने, टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल है, इनिशियल एक्सटेंशन जीरो, तो हमने बीच का एक पॉइंट ले लिया जब एक्सटेंशन क्या रहा होगा? x। तो जब एक्सटेंशन x रहा होगा तब वायर के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स रहा होगा, वायर के अंदर क्या रहा होगा? जो रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है जो आपने यहां लगाया है? mg। तो वायर पे जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो mg पे डिपेंडेंट नहीं है, वायर पे जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो उसके रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग का जब हमने एनर्जी स्टोर निकाला था तो हमने क्या लिया था कि ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जब x एक्सटेंशन पे होगा तब स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? kx। चाहे ये फोर्स kx से बड़ा हो, चाहे ये फोर्स kx से बड़ा हो, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है और इसकी वजह से ही क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। तो यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है इस इंस्टेंट पे, राइट, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? वो रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा k into x, राइट। यहां पे k क्या है? तो वायर के लिए k क्या है? y a by l और x मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, समझे आप। ये कहां से आ जाएगा? यंग मॉडुलस से आ जाएगा जो हमने पहले ड्राइव किया है। तो अब यहां पे ये जो फोर्स है, यहां से अगर हमने और इसको dx एक्सटेंड किया, और हमने इसको क्या एक्सटेंड किया? dx नीचे, सही है। तो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स, अभी आप देख लो ये जो वायर है, इस वायर पे रीस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगेगा। रीस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगा? ऊपर, क्योंकि वायर एक्सटेंड हुआ है, वायर एक्सटेंड हुआ है, वायर वापस रीस्टोर होना चाहता है, तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स कैसा है? ऊपर की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां दे रहे हैं आप? नीचे। तो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? तो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? वो है फोर्स जो इसके अंदर है, वायर के अंदर है, जो इलास्टिक फोर्स है। जैसे स्प्रिंग का फोर्स है kx, जैसे वायर का रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? वायर का अपना इलास्टिक फोर्स है। तो ये जो वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज एक्चुअली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इज एक्चुअली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वो कैसे है? इलास्टिक एनर्जी, राइट, इलास्टिक एनर्जी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि जितना आप उसको खींचोगे वो वापस से अपना एनर्जी क्या कर रहा है? रीस्टोर हो जा रहा है उसका। तो ये जो एनर्जी कंजर्वेशन है, राइट, ये किसमें होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होता है, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जितना आपने उसको स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, वापस वो अपना शेप क्या कर लिया उसने? रिगेन कर लिया, यानी फुल्ली इलास्टिक, है ना, फुल्ली फैंटास्टिक। तो ये जो फुल्ली इलास्टिक है, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए एनर्जी कंजर्व रहता है, राइट, एनर्जी इज कंजर्व, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इसके अंदर, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो इसका हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो ये वर्क डन पहले तो dw निकालेंगे, तो dw / dw कंजर्वेटिव कितना हो जाएगा? माइनस f रिस्टोरिंग into dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्चुअली माइनस तो बाद में आएगा वो थीटा की वजह से। रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? kx, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx, और क्या आएगा इधर? cos 180, तो ये हो जाएगा माइनस kx dx।
अब आप देखो तो एक्सटेंशन है, यानी ये जो x है, x क्या है यहाँ पे, एक्सटेंशन है, x क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सटेंशन। तो इनिशियल एक्सटेंशन कितना है, जीरो, और फाइनल एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन हो गया जीरो और यहाँ एक्सटेंशन कितना हो गया, डेल्टा है। अब आप उसको इंटीग्रेट कर लो तो डी डब्ल्यू कंजर्वेटिव आ जाएगा, तो माइनस के बार x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से लेकर डेल्टा है। तो इधर वर्क डन कंजर्वेटिव हो जाएगा आपका, वो आ जाएगा माइनस के डेल्टा एल का होल स्क्वायर बाई टू, और के का वैल्यू कितना है, वाई ए बाई एल, तो वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर बाई टू। अभी हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां से हमें मिलेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो मिल जाएगा इसका नेगेटिव, यानी वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल स्क्वायर बाई टू, राइट। तो आप कंपेयर कर लो, ये जो स्प्रिंग का आया था वही आया, ये हो गया हाफ, ये हो गया के, ये हो गया एक्स स्क्वायर, यानी जो स्प्रिंग में आया था सेम टू सेम रिलेशन कहाँ आया, यहां भी आया। समझ में आपको? तो दिस इज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, मीन्स इलास्टिक फोर्स इटसेल्फ, means the restoring force itself, the work done we have calculated, and that work done, the negative of that work done by conservative force is stored as potential energy, to be from the whole relation. Is this understood? Okay, so that formula is there.